चीन लगातार ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहा था, लेकिन अब ताइवान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। यानी कि चीन अगर ताइवान के आसमान में उड़ान भरेगा तो उसको उसकी भारी कीमत चुकानी ही होगी। अतिक्रमणकारी चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन अपनी बढ़ती ताकत से पड़ोसियों को डरा भी रहा है और चीन की इन साजिशों का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है ताइवान। जो स्वतंत्र है, लोकतंत्र का पैरोकार है, लेकिन चीन की नीयत ताइवान पर कब्जे की है और इसी वजह से बार बार चीन के एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी करते रहते हैं। लेकिन अब ताइवान ने साफ कर दिया है, चीन के एयरक्राफ्ट अगर ताइवान के आसमान में उड़े तो ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें उड़ाने के लिए तैयार है। ताकतवर देश चीन के सामने यह छोटे से देश ताइवान की महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन की हुंकार है। ताइवान के आसमान में एक बार फिर से चीन की घुसपैठ हुई है। चीन के कई फाइटर जेट्स ताइवान में घुसे हैं। दिसंबर से लेकर अब तक यानी सिर्फ एक महीने में चीन के 83 एयरक्राफ्ट्स ने ताइवान में घुसपैठ की है, जिनमें 46 फाइटर जेट्स और 2 बॉम्बर शामिल हैं। इसके अलावा 35 स्पॉटर एयरक्राफ्ट ने भी ताइवान में घुसपैठ की है। लेकिन अब चीन को कड़ा जवाब देने के लिए ताइवान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने के साथ ही साफ कर दिया है कि ताइवान अब चीन की घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। चीन अथॉरिटी को हमें गलत जज करने की भूल नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र और स्वतंत्रता कोई अपराध नहीं है और ताइवान हांगकांग को सपोर्ट करता रहेगा। अपनी चिंता दिखाने के अलावा हम अपनी मेहनत से अर्जित स्वतंत्रता को संजो कर रखेंगे और लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाएंगे। ताइवान ने अब ताकत पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है, क्योंकि ताइवान को भी मालूम है चीन की साजिशों को नजरअंदाज करना चीन को और साजिशें करने के लिए बढ़ावा देना जैसा है। चीन अटैक करता है ताइवान पे तो कुछ उनके नेचुरल एडवांटेजेस हैं, जो उनकी कोस्ट लाइन है वो बहुत ही रगेड है, रॉकी है, उबर खाबड़ है और प्लस जो सीज वहां पे ताइवान स्ट्रेट में वो काफी रफ है, काफी मुश्किल है आना किसी भी ट्रूप्स के लिए। और अगर आ भी गए तो इन्होंने कहा है, ताइवान ने कहा है, हमने यहाँ पे पूरी कोस्ट लाइन जहाँ से वो आ सकते हैं चीनी फोर्सेस उनको हम अटैक कर सकते हैं, पूरा उन्होंने अपना बंदोबस्त किया हुआ है। दशकों के अलग शासन के बाद भी चीन ताइवान को एक अलग प्रांत मानता रहा है। ताइवान ने अमेरिका समेत अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाकर चीन की आक्रामकता का मुकाबला किया है। चीन ताइवान को युद्ध की धमकी भी देता रहा है। वहीं अमेरिका ने साफ किया है ताइवान पर चीन का हमला अमेरिका और सहयोगी देश स्वीकार नहीं करें। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासकर डेमोक्रेटिक पावर्स साथ मिलके ताइवान को सपोर्ट कर रही है। चाहे आप देखिए मिलिट्री वॉरफेयर की सप्लाई हो वो अमेरिका ने ताइवान को प्रदान करी है। दूसरा जो सबसे कमजोर कड़ी है ताइवान की, उनकी आर्मी की ट्रेनिंग, उसमें भी यूएस मैरीन्स ने उनकी ट्रेनिंग काफी हद तक इम्प्रूव या सुधारी है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने ऐलान किया है कि ताइवान वन चाइना का हिस्सा नहीं है और जिस तरह से ताइवान ने खुलकर चीन के खिलाफ आक्रामकता दिखाई है, माना जा रहा है इस इलाके में चीन अगर अब कोई घुसपैठ करता है तो दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। Bureau Report, Zee Media. Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.